सर हम ये पूछना चाहते हैं आपको, जैसे आप लोग तो कुछ सर्वे वगैरह रिसर्च वगैरह करते हो क्योंकि इसके लिए क्योंकि ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्शियसली वो लोग नीचे के वर्कर को मतलब कस्टमर ही हमारा, अगर ये सक्सेसफुली हो रहा है इसका मतलब कि उनके बीच में एक ट्रेंड सेट हो गया, गलत रिजल्ट मिलता है। इस चीज़ को रिवर्ट नहीं करेंगे तो हमेशा गलत ही होता है। रिवर्ट कौन करेगा? 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच है जिसमें हमारे बाकी बचे हुए 31 पदाधिकारी कारा सेवा के इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। सर बीका का फुल फॉर्म उसका उद्देश्य बता दें सर। बीका का स्थापना 15 नवंबर 2017 को हुआ है। बीका का फुल फॉर्म बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हाजीपुर में स्थित है। इसमें कारा संवर्ग के वार्डर से लेके पदाधिकारियों तक का प्रशिक्षण, इसके अतिरिक्त प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का तथा प्रोबेशन ऑफिसर का प्रशिक्षण दिया गया। सर कृपया अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नीरज कुमार झा, मैं निदेशक बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान जिसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। धन्यवाद। बस इसमें रिसर्च भी हो सकता है, सही बोल रहे हैं, इसमें तो किया जा सकता है कि प्रिजन के कुछ अलग प्रिजन का ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम या जो भी है सारे फेलियर हो जाते हैं। जैसे रिकॉग्निशन की बात आई तो बहुत जगह हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो चीज है इसी चीज को इसको उल्टा करना है, आप समझ गए, क्योंकि बेइज्जती क्या क्यों हो रहा है? मतलब अगर कुछ मिला नहीं, 10 लोग में अगर 9 करप्ट हैं, क्रिटिसाइज करें या जो कहें हाँ। या वो उसको अपने समाज से हटा दे, अलग रखे, वो सारी चीजें होती हैं। यही चीज वो एक का कर दिए ना सारा मामला वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दो चीजें होती हैं, आपको सबसे पहली बात है कि हम दे रहे हैं क्या, हम उसको वैल्यू करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि क्या करने वाले को जो अच्छा काम कर रहा है, आज की जो मतलब जेल सुपरिटेंडेंट का ट्रेनिंग है वो किस पे आधारित है, क्या उद्देश्य है इसका? जेल सुपरिंटेंडेंट अभी हमारे CIMP में आज जेल सुपरिंटेंडेंट के प्रथम बैच के प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ है और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है आज के संबंध में, आज के परिप्रेक्ष्य में कारा एक अब सुधार गृह या वहाँ सुधारात्मक बंदियों के बीच सुधारात्मक मानसिकता का एक प्रयास किया जाता है कि बंदियों में अधिक से अधिक सुधार हो, तो करेक्शनल एटीट्यूड को हम पदाधिकारियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए और उसमें कैदियों के मनोदशा को चेंज में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उसमें एक बिहेवियरल चेंज हो और सोसाइटी के प्रति जो एक अपराधी का जो मनोदशा होता है उसमें परिवर्तन हो, इस उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन किया।